महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले ही एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टरों ने उन्हें बुखार और थकान के चलते आराम करने की सलाह दी है। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे इन दिनों अपने गांव सतारा में है। दरअसल दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद वो मुंबई लौटे थे और फिर इसके फौरन बाद मुंबई में होने वाली बड़ी मीटिंग कैंसिल कर सीधे अपने गांव चले गए, जहां अब उनकी तबीयत बिगड़ गई है। जिसके बाद ऐसी चर्चाएं होने लगी कि एकनाथ शिंदे सीएम का पद न मिलने से नाराज है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये जरूर कहा कि मोदी और शाह जो कहेंगे वही होगा और मैं खुद को कभी सीएम नहीं समझता, जो भी तय होगा वो मंजूर होगा। लेकिन इन शब्दों के बीच एकनाथ शिंदे के मन के अंदर का दर्द झलक रहा है। वो एक तरफ सीएम की दावेदारी से पीछे भी हट रहे हैं तो दूसरी तरफ सीएम की कुर्सी छोड़ने का दर्द भी उन्हें सता रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए पूरे एक सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हो पाया। महायुति की महत्वपूर्ण बैठक भी नहीं हो पाई। अब महायुति की बैठक रविवार को मुंबई में हो सकती है। प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। महायुति के बड़े घटक दल बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि वे विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे के नाराज होने की खबरें भी अब सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक शिंदे डिप्टी सीएम के साथ ही गृह मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन इस पर गठबंधन के दलों के साथ सहमति नहीं बन पा रही। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने गुरुवार रात नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने मीडिया से कहा था कि सरकार गठन के सिलसिले में अमित शाह के साथ बातचीत सकारात्मक रही और अगले दौर की चर्चा शुक्रवार को मुंबई में होगी, लेकिन महायुति की ये बैठक नहीं हो पाई। बीजेपी सूत्रों का कहना था कि महायुति नेताओं की कोई बैठक निर्धारित नहीं थी। दिल्ली यात्रा के दौरान एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात कर राज्य में अगली सरकार के गठन पर चर्चा की थी। शिंदे के सहयोगी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे, जिसमें महायुति को 233 सीटें मिली। 288 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 सीटें और अजीत पवार को 41 सीटें मिली। इतना बंपर जनादेश मिलने के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने अब तक मुख्यमंत्री के लिए अपनी पसंद को अंतिम रूप नहीं दे पाया। वहीं इस बीच अब एकनाथ शिंदे की नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है। मीटिंग रद्द करने के बाद जैसे ही एकनाथ शिंदे गांव पहुंचे, तभी ऐसी खबरें आने लगी थी कि एकनाथ शिंदे मंत्रालय को लेकर नाराज चल रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को मनाने में कामयाब हो पाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।